अगर मैं आप सभी को बोलूं कि आप लोग भी काफी इजीली अपना रैंक पुश कर सकते हो बीआर रैंक में। सही सुना आप लोगों ने, साले का खोपड़ी तोड़ने। आप लोग सोच रहे हो भाई हम लोग कैसे बीआर में अपना रैंक पुश कर सकते हैं। रुको जरा, सबर करो। तो आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग को काफी तगड़ा वाला टिप्स एंड ट्रिक बताया हूँ, जिससे आप लोग सोलो के अंदर ही काफी इजीली अपना रैंक पुश कर सकते हो और सीजन नंबर 33 में इजीली मास्टर और ग्रैंड मास्टर लगा सकते हो। तो वह लोग वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैंने काफी कुछ कवर किया है, जिससे ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट एक एक लाइक कर लेना, बिकॉज की काफी मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग लाइक करते हो, तो फटाफट एक एक लाइक कर लो। और भाई चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, इस चैनल पर ऐसी टिप्स एंड ट्रिक वीडियोस मिलती रहती है जिससे आप लोग का हेल्प हो, तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और काफी सारे भाई लोग का डिमांड था कि गेम प्ले वीडियोस कब ला रहे हैं भाई, बता दो। आपने बोला था कि मैं गेम प्ले वीडियोस लाने वाला हूँ, तो भाई मैंने सोच लिया कि गेम प्ले वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ सेकेंड चैनल पे। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, काफी सारे भाई लोगों ने तो कर रखा है, जो भाई लोगों ने नहीं कर रखा है जाके कर लेना। 400 सब्सक्राइबर है, 1K कराना है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। आप लोग के लिए ज्यादा हार्ड नहीं है, तो भाई समझ के सभी लोग कर देना जाके। और गेम प्ले में काफी मजा आएगा, बिकॉज की मैं एपिसोड बाई एपिसोड अपलोड करने वाला हूँ ग्रैंड मास्टर गेम प्ले, तो सकते हो कितना मजा आएगा। तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। सो वाले को बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 1 के बारे में, जिसमें आप लोग को बताने वाला हूँ लॉट आउट और कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में, जो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले बात कर लेते हैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसमें मैंने फर्स्ट में यूज कराया है के कैरेक्टर, जो आप लोग के लिए काफी काम का होने वाला है। जब भी आप लोग जोन में फंस जाओगे ना, काफी ही काम देगा। और मैं अभी के टाइम पे के कैरेक्टर यूज करता हूँ, बिकॉज की अभी के टाइम पे काफी हार्ड लॉबी आती है जिसमें के कैरेक्टर काफी हेल्प करता है, तो आप लोग भी यूज कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है पैसिव स्किल्स का, जिसमें मैंने यूज करा है फोर्ड कैरेक्टर, काफी काम का कैरेक्टर है। जब से अपडेट का इसको सही कर दिया गया ना, काफी काम आता है, तो याद से आप लोग फोर्ड कैरेक्टर लेना। उसके बाद बारी आती है राफेल कैरेक्टर की, अगर आप लोग मार्कमैन राइफल और स्नाइपर राइफल यूज करते हो ना, तो राफेल कैरेक्टर काफी काम आएगा। और किसी बंदे को नॉक दे देते हो तो वो काफी स्पीड में फिनिश हो जाएगा, तो समझ सकते हो राफेल कैरेक्टर कितना काम का होने वाला है। उसके बाद बारी आती है लुकीटा की, काफी काम का कैरेक्टर है, आप लोग पूरा गेम के अंदर 280 HP के साथ खेल सकते हो, तो याद से लोग लुकीटा कैरेक्टर ले लेना। उसके बारी आती है पेट के स्किल का, जिसमें आप लोग को काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आप लोग को लेके जाना है फैल्को पेट, जो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफी सारे भाई लोग बोलते हैं मेरे पास फैल्को पेट नहीं है, तो आप लोग कोई सा भी पेट यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग के पास फैल्को पेट है ना, तो फैल्को पेट जरूर यूज करना, जो कि आप लोग को काफी काम आएगा। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे लॉर्ड आउट की, जिसमें भी आप लोग को काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आप लोग को लेके जाना है वॉन फायर, जो कि आप लोग को गेम के अंदर काफी काम आता है। कभी कभी होता है हम लोग जोन के अंदर फंस जाते हैं, वहां पे काफी काम आता है बॉनफायर, तो याद से ले लेना। और भाई लोग मेरे रैंक देख सकते हो 7000 हो चुका है, और ग्रैंड मास्टर के लिए सिर्फ मेरे को 1000 पॉइंट और चाहिए, जो मैं पुश करने वाला हूं। और यही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ मैं पुश करता हूं, और जितने भी टिप्स एंड ट्रिक इस वीडियो के अंदर बताया हूं ना, वही टिप्स एंड ट्रिक मैं लगा रहा हूं अभी के टाइम पे पुश में, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। सो वाले को बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 2 का, जिसपे आप लोग को बताने वाला हूं लॉबी के बारे में, बिकॉज लॉबी में काफी सारे भाई लोग कंफ्यूज रहते हैं ये पता लगाने में कि लॉबी हार्ड आई है नॉर्मल आई है। तो भाई आप लोग ऐसे पता लगा सकते हो वेपन वाले बैच से, अगर आपके लॉबी में 10 से ज्यादा वेपन वाले बैच दिखे तो समझ जाना कि लॉबी हार्ड आई है, बिकॉज की वेपन वाले बैच काफी मुश्किल से मिलता है, इस हिसाब से आप लोग काफी इजिली पता लगा सकते हो। सो वाले को बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 3 के बारे में, जिसमें आप लोग को बताने वाला हूँ सोलो के अंदर आप लोग परफेक्ट लैंडिंग कैसे कर सकते हो, बिकॉज की आप लोग अच्छे से जानते हो कि सोलो में अभी के टाइम पे हम लोग सेल्फ रेव हो सकते हैं अगर हम लोग 3 मिनट से पहले मरते हो, तो भाई इसमें भी काफी सारे भाई लोग गलतियां करते हैं, 3 मिनट्स के बाद भी फाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं और फिनिश हो जाते हैं और अपना रैंक माइनस लगवा लेते हैं। तो भाई ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना, जिससे आप लोग को काफी ज्यादा माइनस पड़ेगा अगर आप लोग स्टार्टिंग में मरते हो तो ये आप लोग 3 मिनट से पहले ही फाइट ले लेना और फिनिश हो जाना। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मैं जाने वाला हूँ पीक पे, और भाई ऐसा ड्रॉप लोकेशन आप लोग भी चुन सकते हो अगर आप लोग स्टार्टिंग में किल निकालना चाहते हो तो, पीक, क्लॉक टावर और ब्लू जोन, जिससे आप लोग को काफी सारे किल निकलेंगे। सो वाले को बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 4
4 के बारे में, जिसमें आप लोग को बताने वाला हूँ किल्स के बारे में, जो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो मैं पीक के ऊपर साइड जैसे ही आया है वैसे ही मैं फिनिश हो जाता हूँ, और कई बार ये चीज आप लोग के साथ होता है जिससे आप लोग स्टार्टिंग में एक भी किल नहीं निकाल पाते हो। तो भाई यहाँ पे क्या करें, तो आप लोग सेकेंड प्लेस ऐसा जगह ढूंढना जहाँ पे एक भी बंदा ना आए जिससे आप लोग काफी इजिली लूट कर पाओ। और कई बार होता है कि सेकेंड जगह भी बंदा आ जाता है, वहां पे क्या करें, तो आप लोग वहां पे गाड़ी उठा के सीधा जोन के साइड में निकल जाना कुछ ऐसे प्लेस पे जहां पे आप लोग को अच्छा खासा लूट मिलेगा, और काफी इजिली लूट करके आप लोग लास्ट में बुइया निकाल सकते हो, बिकॉज कि लूट के साथ बुइया काफी इजिली निकलता है, वो चीज तो आप लोग को पता ही है। तो भाई ये ट्रिक आप लोग जरूर लगाना। उसके बाद बारी आती है टिप्स नंबर 5 का, जिसमें आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग फाइट कैसे इग्नोर कर सकते हो जोन के अंदर रह के, बिकॉज कि काफी सारे भाई लोग अभी क्या गलती करते हैं कि जोन के अंदर रहते हैं फिर भी फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, पहले उनको जोन से डैमेज पड़ते रहता है, फिर वो फाइट करके इजिली जोन के अंदर फिनिश हो जाते और अपना रैंक माइनस करवा लेते। तो भाई ये गलती आप लोग मत करना, और भाई यही गलती मैं भी पहले करता था जिससे मेरा काफी ज्यादा माइनस पड़ता था, और यही चीज मैंने सही करा तो काफी इजिली मैं अपना पोजिशन पॉइंट भैया निकाल पाता हूं। तो भाई ये ट्रिक आप लोग जरूर यूज करना। यहाँ पे देख सकते हो सामने एक बंदा आ चुका था जब मैं लूट कर रहा था, तो ये बंदा को मैंने काफी ज्यादा डैमेज दिया, तभी ये ग्लू वॉल लगा लेता है और मेरे को मौका मिलता है गाड़ी से जोन से बाहर निकलने का। और भाई ये ट्रिक मैं लगाता हूँ, फटाफट गाड़ी पकड़ता हूँ और जोन से बाहर निकल जाता हूँ, बिकॉज अगर मैं जोन में फाइट करता ना तो काफी इजिली मैं फिनिश हो जाता और भाई फिनिश होकर काफी बड़ा वाला माइनस लगवा लेता। तो भाई ये गलती मत करना, मस्त वाला ये ट्रिक जो बताया हूँ आप लोग को लगाना, और इजिली जोन से बाहर हो जाना यानी कि सर्कल के अंदर चले जाना, जिससे आप लोग काफी इजिली पोजिशन पॉइंट और बुइया निकाल सकते हो। सो वाले को बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 6 के बारे में, जिसमें आप लोग को बताने वाले हो अगर आप लोग का टॉप 10 हो जाना तो एक प्लेस होल्ड करके रखना जिससे आप लोग काफी इजिली बुइया भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैं गाड़ी से डायरेक्ट इस सीमेंट्री के अंदर आ चुका था यानी कि इस घर के अंदर आ चुका था, और काफी इजिली यहाँ से मैं बंदे मार रहा था, उसको डैमेज भी दे रहा था और किल भी निकाल रहा था। और भाई ये ट्रिक आप लोग भी लगा सकते हो, अगर आप लोग का टॉप 10 हो जाए ना तो आप लोग एक प्लेस होल्ड करके रखना जिससे आप लोग काफी इजिली टॉप 2 टॉप 3 कर सकते हो और लास्ट में बुइया भी निकाल सकते हो। और ये ट्रिक काफी काम का होने वाला है जिससे आप लोग काफी इजिली काफी सारे बुइया निकाल सकते हो, और अभी के टाइम पे भाई बुइया ही निकलता है तब अच्छा खासा प्लस लगता है। तो भाई ये ट्रिक आप लोग जरूर यूज करना। और यहाँ पे देख सकते हो लास्ट बंदा बचा हुआ है जो जोन से ही एलिमिनेट हो जाता है, और हम लोग काफी इजिली इस गेम को बुइया निकाल लेते हैं। और भाई जितने भी ट्रिक इस वीडियो के अंदर आप लोग को बताया हूं ना 100% वर्किंग ट्रिक है, जिससे आप लोग काफी इजिली सोलो के अंदर अपना रैंक प्लस कर सकते हो और इजिली मास्टर और ग्रैंड मास्टर दोनों लगा सकते हो, और तुम्हारा भाई लगाने वाला है। भाई मेरा प्लस देख सकते हो, भाई 4-5 किल के साथ इतना इजिली मैं प्लस निकाल लिया, तो आप लोग भी काफी इजिली निकाल सकते हो। सो वाले होप करता है इस वीडियो से आप लोग को काफी हेल्प होगा रैंक पुश में, तो वीडियो को याद से लाइक कर देना, बिकॉज के आपके एक लाइक से काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने का जिससे आप लोग का हेल्प हो। सब्सक्राइब भी याद से कर लेना, अगर आप लोगों ने सेकेंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गेम प्ले वाला तो भी याद से कर लेना, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में पिन है तो जाके याद से कर लेना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।